हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन सा बैंक अकाउंट आप अपने एडसन अकाउंट और यूट्यूब पेमेंट को रिसीव करने के लिए लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारा न्यू क्रिएटर के लिए ये वीडियो है और जो जो अपने यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं और अपने बैंक अकाउंट को एडसन अकाउंट से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको बताएंगे फ्रेंड इस वीडियो में कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए बेस्ट है और कौन सा बैंक अकाउंट से आप जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए बेस्ट है और बैंक अकाउंट को कैसे लिंक किया जाता है और बैंक का क्या प्रोसेस है और आपका पेमेंट कितना दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। ये सब कुछ बताएंगे, सब डाउट क्लियर आपको कर देंगे इस वीडियो में। और एक चीज़ बता दें फ्रेंड, इस बैंक लिस्ट में प्राइवेट सेक्टर का बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक दोनों सब बैंक होगा। आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और यूट्यूब का पेमेंट रिसीव करने के लिए आप अपने एडसन अकाउंट में इस बैंक को लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको बोल दें, बैंक अकाउंट कौन सा बैंक अकाउंट आप अपने यूट्यूब पेमेंट को रिसीव करने के लिए लगा सकते हैं। सबसे पहला फ्रेंड, आप जानते ही होंगे स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड है फ्रेंड जो इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव करने के लिए आप अपने यूट्यूब के एडसन अकाउंट में लगाते हैं। फ्रेंड, स्विफ्ट कोड ही सबसे मेन चीज़ है, जो स्विफ्ट कोड के बिना ही आप पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा फ्रेंड, स्विफ्ट कोड कौन कौन सा बैंक अकाउंट में होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बोलते हैं ग्रामीण बैंक और पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंक का स्विफ्ट कोड अवेलेबल है इंडिया में। तो फ्रेंड, कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए बेस्ट होगा, गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक? तो सभी बैंक के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। अब ये जो चैनल देख रहे हैं, ये यूट्यूब का भी मोनेटाइज नहीं हुआ है और इस बैंक से मैंने यूट्यूब पेमेंट नहीं रिसीव करता हूँ, कुछ दूसरा अकाउंट है मेरा यूट्यूब चैनल का। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको हम प्राइवेट बैंक के बारे में बताते हैं। तो प्राइवेट बैंक में यदि आपका फ्रेंड एक्सिस बैंक अकाउंट है, एक्सिस बैंक और HDFC और कोटक बैंक, यहाँ पे तीन बैंक के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि तीन बैंक ही एडसन अकाउंट के लिए बेस्ट बैंक है प्राइवेट बैंक में। तो चलिए बताते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। यदि आपका एक्सिस बैंक अकाउंट है तो आप अपने यूट्यूब पेमेंट को रिसीव करने के लिए एडसन अकाउंट में लिंक कर सकते हैं और इसका भी स्विफ्ट कोड होता है और आपके सिटी का स्विफ्ट कोड नहीं होगा, आपके मतलब जिला का स्विफ्ट कोड नहीं होगा, शायद वो पूरे आपके हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड होगा, तब भी आप उसे लगा सकते हैं, आपका यूट्यूब पेमेंट जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा 2 से 3 दिन। तो फ्रेंड, दूसरा नंबर पर आते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक भी बहुत ही अच्छा बैंक है फ्रेंड, ये आपको कम से कम 2 दिन में पेमेंट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। और इस बैंक में आपका ये खूबी है फ्रेंड, आपको नेट बैंकिंग के जरिए वो जो इनवर्ड रेमिटेंस का जो होता है क्लियर, वो आप अपने नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। ये भी काफ़ी आसान तरीका है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपका HDFC में अकाउंट है तो आपको बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो या चाहे वो सैलरी अकाउंट हो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, कोई सा भी बैंक लगा सकते हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। बस आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल अच्छा से भरिएगा और स्विफ्ट कोड डाल देने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, आपको बैंक के चक्कर नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपके अपने चप्पल को घिसना पड़ेगा बैंक तोड़ कर। तो एक्सिस बैंक बोल दिए फ्रेंड, एक्सिस बैंक का भी वही है, HDFC का भी वही है। और चलिए आते हैं तीसरा नंबर, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक अच्छा बैंक है, जिससे आप एडसन का पैसा, अपने यूट्यूब का पैसा जो रोकते हैं वो अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कोटक महिंद्रा का बैंक का जैसे आपका जीरो बैलेंस है, कोटक एडेड अकाउंट है या कोई सा भी बैंक है, आप अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं एडसन में, आपका पेमेंट कम से कम 2 से 3 दिन में आपके रिसीव हो जाएगा। इसमें भी कोई बैंक विजिट करने का दरकार नहीं, कभी कोई सिचुएशन में हर ब्रांच में अलग अलग सिस्टम होता है, मतलब देखा जाए तो 100% में 10% ही में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है, वो भी ब्रांच विजिट करना पड़ता है मतलब कि आपको वहाँ पूछताछ होता है, ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने का दरकार नहीं है, बस एक छोटा सा पूछताछ होता है, आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल बताना पड़ता है, वो आपको 1 से 2 घंटा में आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाता है। तो हम आपको प्राइवेट बैंक के बारे में बता दिए, एक्सिस बैंक,
HDFC बैंक और कोटक बैंक, इसमें से तीनों में से आपका ये अकाउंट है तो आपका यूट्यूब का पेमेंट जल्द से जल्द आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, कोई झमेला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का बेस्ट बैंक जिससे आप यूट्यूब का पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक बहुत अच्छा बैंक है, जिसमें से मैंने कुछ बैंक को यहाँ सेलेक्ट किया है अपने अनुभव से जो आप काफ़ी जल्दी पेमेंट देती है। तो सबसे पहला फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा बैंक है, अकाउंट है आपको यूट्यूब पेमेंट को रिसीव करने के लिए। बस इसमें एक प्रोसेस है, पहला बार है, हर बार नहीं है, बस पहला बार। पहला बार यही है कि जब आपका यूट्यूब पेमेंट रिसीव होगा आपके बैंक अकाउंट में 21 तारीख को गूगल एडसन आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करेगा, तो आपको दो दिन बाद आपके आपके शायद हो सके आपके पास मैसेज ना आए बैंक का, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको दो से तीन दिन वेट करना है और बैंक डायरेक्ट जाना है। बैंक डायरेक्ट जाने के बाद आपको वहाँ पर बोलना है हमको इनवर्ट रेमिटेंस फॉरम दीजिए। इनवर्ट रेमिटेंस फॉरम देने के बाद आपको पूरा फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप अपने जो एडसन का जो स्लिप आया, रिसिप्ट आया, उसको स्टेपलर करके बस जमा कर दीजिएगा, आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, कोई झमेला नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा बैंक है, इसमें बस एक बार आपको बैंक विजिट करना होगा। तो दूसरा नंबर पर आता है SBI। SBI भी इज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, क्योंकि फ्रेंड इसमें भी आपको बैंक दौड़ने की जरूरत नहीं है। कभी काल हो सकता है आपको बैंक दौड़ना पड़ेगा, वो अलग बात है, पर इसमें SBI भी बेस्ट बैंक है। बस आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दीजिए, इसमें स्लिप कोड अच्छा से डाल दीजिए, बस आप अपने घर में रहिए, वीडियो बनाइए, आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। और तो फ्रेंड यहाँ पे तीन नंबर में बैंक में आता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और भी एक बैंक है, इसमें लिंक है। तो फ्रेंड यदि आपके इसमें बैंक अकाउंट है तो आप अपने यूट्यूब पेमेंट को भी रिसीव आसानी तरह कर सकते हैं। इसमें भी कोई बैंक तोड़ने का जरूरत नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में आसानी से पैसा आ जाता है। तो फ्रेंड मैंने तीन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बताया और तीन बैंक प्राइवेट सेक्टर का बताया। इसमें से छों में से यदि आपका एक में भी अकाउंट है तो आपको यूट्यूब पेमेंट को रिसीव करने के लिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही है। आप हमारे यदि यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड, जय भारत, नमस्ते।